आनंद जी नमस्कार। नमस्कार। BeforePin.in से महेश शर्मा, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ। क्या चल रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट हरदोई में? चुनावी हवा किस तरफ, क्या नजर आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, किसके किसके बीच सीधी लड़ाई लग रही है? लड़ाई कुछ सीटों पर बसपा ने त्रिकोणात्मक बनाया है। अच्छा। बाकी सीधे सीधे फाइट सपा और भाजपा में ही है। अच्छा अच्छा, तो आपके जिले में कितनी सीटें आती हैं? कुल 8 सीटें हरदोई जिले में है। कौन कौन सी? ये सवाईजपुर, शाहबाद, हरदोई, बिलग्राम मल्लावा, सांडी, बालामऊ, गोपामऊ और संडीला। इसमें 3 रिजर्व सीट भी हैं। अच्छा। सांडी, गोपामऊ और बालामऊ। अच्छा, तो क्या इन सब पर प्रत्याशी लगभग घोषित किए जा चुके हैं कि अभी कुछ पार्टियों के घोषित होना बाकी है? नहीं, लगभग सब घोषित हो गए। अच्छा अच्छा, तो ऐसी कौन सी सीटें हैं जिसमें आपको लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी बीच के बीच सीधी टक्कर है? शाहबाद में लगभग सीधी टक्कर है। भाजपा से मौजूदा विधायक जो रजनी तिवारी हैं, वही फिर से मैदान में है। और सपा ने पिछली बार बसपा से चुनाव लड़े आसिफ खान बब्बू, पूर्व विधायक हैं, इनको कैंडिडेट बनाया है। पिछली बार लगभग 4,000 वोटों से हार जीत हुई थी। और इनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रहेंगे? नहीं, आसिफ खान बब्बू की पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष है, शाहबाद नगर पालिका अध्यक्ष। अच्छा अच्छा अच्छा। और बब्बू खुद भी 4 टर्म जो है नगर पालिका अध्यक्ष शाहबाद के रहे हैं। 2007 से 12 के बीच ये विधायक रहे थे, बसपा के टिकट पर चुने गए थे। और 12 से 17 के बीच में? 12 से 17 के बीच में सपा के पास ये सीट थी, बाबू खां। अच्छा। सपा नेता वो जीते थे और यही बब्बू उनके जो है नियरेस्ट कंटेस्टेंट यही थे। अच्छा अच्छा जी। तो बाबू खां किस पार्टी से जीते थे? सपा से। अच्छा, और ये बब्बू जीते थे, ये बसपा से थे तब भी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो अच्छा उसके पहली बार इस बार सपा के टिकट में ये है। 2017 में रजनी तिवारी भाजपा के टिकट पे जीते। तो रजनी तिवारी ने किसे पराजित किया था? इन्हीं को, आसिफ खान बब्बू को, जो इस बार सपा के कैंडिडेट होके आए हैं। तो ऐसा लग रहा कि यहाँ सीधी लड़ाई है। तो यहाँ इस सीट पे शाहबाद में जातीय समीकरण क्या बनते हैं? जातीय समीकरण यहाँ पर लोध मतदाता जो है, राजपूत जिसको यहाँ कहते हैं, उसको वो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ। अब उसमें एक ये बड़ा इशू है कि बसपा ने इस बार इसी बिरादरी के कैंडिडेट को उतार दिया है। हालांकि हमेशा से इस बिरादरी का झुकाव जो है वो भाजपा की तरफ रहा है, ऐसा माना जाता है। अब ये बसपा के प्रत्याशी कितना नुकसान कर पाएंगे भाजपा का, ये देखने वाली बात होगी। अगर भाजपा का नुकसान करते हैं तो हाँ। तो भाजपा के लिए खतरे की घंटी है, अगर ये लोध वोट का नुकसान करते हैं तो। हाँ, लोध वोट तो बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकाव रहा है, ये तो बात सही कह रहे हो। अच्छा, और इधर मुस्लिम वोट की क्या पोजीशन है शाहबाद में? मुस्लिम वोट अच्छा है, डिसाइडिंग है। डिसाइडिंग क्या, सबसे अधिक वोट मुस्लिम ही है वहाँ पर। दूसरी सीट कौन सी ऐसी जिसमें भाजपा और सपा की टक्कर दिख रही हो? सांडी सीट है, सांडी रिजर्व सीट है। हाँ। यहाँ मौजूदा विधायक प्रभास कुमार हैं भाजपा से, और पूर्व सांसद उषा वर्मा को यहाँ सपा ने प्रत्याशी बनाया है। रिजर्व अच्छा। सीट है ये, दोनों ही पासी समाज से आते हैं। ये पासी वोट यहाँ बहुतायत में होगा जी। और तीसरी कौन सी सीट है? अब तीसरी सीट गोपामऊ है, गोपामऊ भी रिजर्व सीट है। यहाँ सपा से जो है पूर्व विधायक राजेश्वरी और गोपा और भाजपा से मौजूदा विधायक श्याम प्रकाश ये मैदान में है। तो दोनों से अच्छा मुकाबला दोनों के बीच होने की उम्मीद रख रही। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी यही दोनों कैंडिडेट आमने सामने थे, और तब सपा कैंडिडेट राजेश्वरी जो है वो बड़े अंतर से हार गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन ये भी है कि तब बसपा बहुत अच्छा चुनाव लड़ी थी, लगभग 50,000 वोट बसपा को भी मिला था। अच्छा, जनपद की चौथी सीट जिसमें भाजपा और सपा के बीच सीधी दिख रही हो लड़ाई? हाँ, सवाईजपुर में रहेगी, सवाईजपुर में रहेगी, लेकिन अभी फौरी तौर पर तो भाजपा यहाँ पे मजबूत दिखाई दे रही है। अच्छा अच्छा। और अगली, और हरदोई सदर सीट है, ये नरेश अग्रवाल जी की और उनके परिवार की परंपरागत सीट है।
यहाँ मुद्दे परेशानी ये सब एक तरफ रहते हैं। नरेश अग्रवाल वर्सेस अदर सिलेक्शन होता है हमेशा से, तो इस बार नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल इस बार बीजेपी के कैंडिडेट हैं और समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक अनिल वर्मा को उतारा है यहाँ पे। ये भी आश्चर्यजनक रूप से सपा ने सामान्य सीट पर रिजर्व पासी समाज के कैंडिडेट को उतारा है, समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ऐसा क्यों किया, क्या वहाँ पर पासी वोट बहुत ज्यादा है या क्या? बहुत ज्यादा वोट है और दूसरा अनिल वर्मा जो जिनको कैंडिडेट बनाया है उनका गांव भी, पैतृक गांव भी इसी क्षेत्र में आता है और पुराना जो परसीमन था उसमें एक बार इस सीट से हाँ। विधायक रह चुके हैं। पहले इस सीट का कुछ हिस्सा बावन हरियामा विधानसभा क्षेत्र होती थी उसमें होता था और तब 2002 में अनिल वर्मा इस सीट से विधायक चुने गए थे भाजपा के टिकट पर। अच्छा, नरेश अग्रवाल के पुत्र नितिन, ये पिछली बार नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल इस बार बीजेपी से कैंडिडेट थे, सपा चुनाव है उनका 17 में, पिछली बार सपा से थे। अच्छा अच्छा, पार्टी बदल ली इन्होंने, तो ये विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं शायद। हाँ, उपाध्यक्ष भी अभी इसी हाँ। सत्र में चुने गए थे और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने सदन की सदस्यता, सपा और विधानसभा उपाध्यक्ष तीनों पदों से इस्तीफा दे दिया था और उसके अगले दिन भाजपा ने इन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। हरदोई में लड़ाई कैसी लग रही है? देखिए, दरअसल यहाँ लड़ाई हमेशा से ही नरेश वर्सेज आदर्श होती रही है। नरेश अग्रवाल तो भाजपा में पहले ही चले गए थे। हाँ, 2018 में चले गए थे और तब तक मतलब ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली हर सार्वजनिक तौर पर नितिन भी जो है इन्हीं के भाजपा के ही मंचों पर नजर आते थे। अच्छा, सपा से निर्वाचित होने के बाद भी भाजपा के मंचों पर देखे गए। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो सपा ने उनके सदस्यता रद्द करने के लिए एक रिट भी दाखिल की थी जो खारिज हो गई थी। अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दी थी। तो यहाँ पर तो सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की होगी ऐसा लग रहा है। कमोबेश हर जगह यही स्थिति है। अब इस सीट से अभी बसपा ने कोई प्रत्याशी नहीं बनाया, अभी घोषित नहीं किया। क्या नरेश अग्रवाल फैक्टर की वजह से हरदोई सदर में क्या बीजेपी लगता है कंफर्टेबल में है? मतलब अब बिल्कुल, अगर ये पहला मौका होगा जब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी इस सीट पे जीतेगी। इस सीट पर बीजेपी कभी नहीं जीती। इसलिए कि ये एकमात्र ऐसी सीट है जहां भाजपा कभी नहीं जीती। तो नरेश अग्रवाल के परिवार में ऐसा क्या है कि जो पूरा मतलब राजनीतिक परिवर्तन जहां जाते हैं ये सीट वहीं चली जाती है? दरअसल तीन पीढ़ियों का अच्छा रिश्ता है और एक खासियत तो है ही उनमें कि वो अपना बनाना जानते हैं लोगों को। हाँ हाँ, ये भी बड़ी बात है। अच्छा, वो कौन सी तीन सीटें जिसमें त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना दिखती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी नहीं दो है। सीटों पर नहीं, यहाँ इस सीट पर नहीं है लेकिन जिले की दो सीटें ऐसी हैं। दो सीटें, हाँ, क्षमा कीजिए, दो सीटें। एक तो संडीला और बिलग्राम मल्लावा। अच्छा अच्छा, बिलग्राम मल्लावा में बसपा ने पूर्व विधायक, दो बार बसपा से विधायक रहे सतीश वर्मा, इनको कैंडिडेट बनाया है और इनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी है बीजेपी के टिकट से मिश्रिक से, डॉक्टर अंजू बाला। अच्छा, और इस समय भी वो अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य है। तो यहाँ पर ये लग रहा है ऐसा। और दूसरी कौन सी सीट बताई? संडीला सीट है। संडीला में बीएसपी ने अब्दुल मन्नान को उतारा है। अब्दुल मन्नान लगातार तीन टर्म एमएलए 1996 से 2012 तक रह चुके हैं और कैबिनेट मंत्री रहे, बसपा सरकार में काफी पावरफुल व्यक्ति माने जाते रहे हैं और रहे भी हैं पावरफुल। अच्छा, हरदोई में आनंद जी भाजपा के किसी बड़े नेता की मीटिंग हुई है? हाँ, अभी हाल ही में 27 दिसंबर को अमित शाह जी की मीटिंग हुई थी, जन विश्वास यात्रा निकली थी उसी में ये मीटिंग हुई थी। अच्छा, क्या रिस्पांस रहा पब्लिक का? नहीं, अच्छा रिस्पांस था, भीड़ थी। और अखिलेश यादव का विजय रथ उस तरफ आया हरदोई में? नहीं, एज सच विजय रथ नहीं आया लेकिन उनका एक कार्यक्रम हुआ था पटेल जयंती पर माधवगंज में, उसके अलावा अभी उनका सीधे सीधे विजय रथ नहीं आया। अमूमन वो विजय रथ की शुरुआत संडीला से किया करते थे। 2012 में उन्होंने संडीला से शुरुआत की थी, लखनऊ से सटा हुआ इलाका है और तब सपा जीती थी। संडीला सीट भी सपा अब तक एक ही बार जीत पाई है 2012 में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया। अब इस बार संडीला सीट की जो अभी तक स्थिति है वहाँ टिकट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहा।
सपा और सुभाषपा जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, तो अब जैसी परिस्थिति है उस हिसाब से ये लग रहा है कि सुभाषपा के कोटे में ये सीट है और सुभाषपा ने अपना कैंडिडेट प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी, बड़ी अच्छी बात है, सुनील अर्कवंशी जो है पहले पत्रकारिता में बड़ा सक्रिय रहे यहाँ और अब उनको कैंडिडेट बनाया है। तो विजय दत्त इनका संडीला को इस बार टच नहीं किया? नहीं, नहीं। अच्छा, तो ये तो चर्चा में होगा कि भाई पिछली बार 2012 में यहाँ से निकले तो सीएम बने, और ऐसी कोई चर्चा नहीं वहाँ हो रही है? नहीं, ऐसी जनरल चर्चा नहीं हो रही। पटेल जयंती में जो इनका कार्यक्रम हुआ था अखिलेश का, उसमें भीड़ ठीक ठाक आई थी? उसमें ठीक ठाक क्या, उस भीड़ तो ठीक थी, जो जो जिस तरीके का आयोजन था, एक स्कूल में आयोजन था, एक पटेल जी की प्रतिमा का लोकार्पण था, लेकिन वो चूंकि रथ से आए थे इसलिए उसको मान लिया गया कि वो है। हाँ, इन्होंने इससे पहले रथ से उन्नाव में भी गए थे, याद आ गया, ये ऐसा कर रहे थे, तो मतलब ठीक ठाक होता है वो, तो क्योंकि सरकार की रैली की तो प्रायोजित भीड़ होती है। जी जी, सरकारी सत्ताधारी पार्टी जो भी हो तो जी जी। और इसमें ये रहता तो पब्लिक का रुझान, आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ थोड़ा समाजवादी पार्टी की तरफ दिख रहा हो? कुछ क्षेत्रों में बहुत बहुत अभी ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल हालात बदल जाए। हाँ, लेकिन अच्छी फाइट होगी, ये है। पिछली बार जैसे कुछ सीटों पे एक तरफा मुकाबला रहा तो वैसा नहीं होगा। अच्छा। हाँ, लेकिन एक बार और भी है कि अब जैसे वालामू सीट है, वालामू सीट तो सारी पार्टियों ने एक तरीके से वॉकओवर दे दिया बीजेपी को। अच्छा, कोई अच्छे कैंडिडेट ही नहीं ला पाए। हाँ, ये तो मतलब अननोन फेसेस को कैंडिडेट बनाया दूसरी पार्टियों ने, इसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा। अच्छा, मुद्दे यहाँ पर स्थानीय मुद्दों में, मतलब हरदोई स्तर के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो मतदाताओं को प्रभावित करते हैं या काफी एडवर्स यानी प्रतिकूल? देखिए, चुनाव यहाँ कभी भी पिछले कई चुनावों से लोकल के मुद्दों पर नहीं हुआ। जैसे हरदोई सदर का आप ले लें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ समस्याएं सब खत्म हो गई हैं, लेकिन मुद्दा हमेशा नरेश अग्रवाल के साथी और विरोधी इस पर होता है, या कुछ क्षेत्रों में जातीयता के आधार पर ही हो जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय इश्यूज में जैसे बेरोजगारी, महंगाई, इस पर कोई यहाँ चर्चा नहीं करता। मतदाता जो कोर वोटर है वो नहीं चर्चा करता इस पर। आम पब्लिक सिर्फ बहुत चर्चा करती है तो खेत में मवेशी फसल। अच्छा, चर गए, आवारा पशु जो आ जाते हैं, आवारा पशु बस। तो ये एक मुद्दा, ये मुद्दा पूरे प्रदेश भर में आनंद जी है, हरदोई भी इससे अछूता नहीं है कि लोग भारी संख्या में पशु जो है किसानों के खेत चल जाते, किसानों को रात रात भर अपनी फसलों की रखवाली जागना पड़ती है, जागना पड़ता है। तो इस समस्या के समाधान की तरफ कोई जनप्रतिनिधि या कोई जिला प्रशासन या नहीं किया गया? किया गया, गौशालाएं खोली गई, अस्थाई खोली गई, लेकिन वो अलग अलग तरीके से, जैसे सारी जिम्मेदारी आप प्रधान पे ही नहीं डाल सकते या सारी जिम्मेदारी आप प्रशासन पे ही नहीं डाल सकते। आखिर ये छोड़ी कहाँ से जा रही है, छोड़ कौन रहा है इनको, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। तो कोई भी मतलब एक सीधी सी बात, एक मान लिया जाता है कि हमें अपना अधिकार लेना है, हम अधिकार की बात करते हैं पर कर्तव्य की बात नहीं करते। नहीं करते हैं, ठीक कह रहे हैं। चलिए, बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी। समस्या तो है जी जी, बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी अब किस इलेक्शन में, और आपसे हम दोबारा जल्दी ही बात करेंगे। और ये सूचनाएं देने के लिए, और आपका अच्छा विश्लेषण रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिफोर प्रिंट ऑटिंग की तरफ से। अच्छा आनंद जी, नमस्ते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।